दोस्तों अभी हम पंजाब में हैं। नए साल के मौके पर राजा भाई अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर कामा सीरीज का 3 नए मशीनों का लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने एक से बढ़ के एक जबरदस्त मशीनें हैं और देख सकते हैं ज्यादातर डीजल इंजन देखने को मिल रहा है राजा भाई। जी भाई साहब जी, आज हमने कामा का सारी फैमिली आज लॉन्च कर दी है, चाहे 10 HP का हो, चाहे 8.5 HP का हो, 6.5 HP का हो, सारे ही आज हमने लॉन्च कर दिया है जी। इस बार ज्यादातर डीजल इंजन देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है? अरे भाई, मेरे फार्मर भाई बोलते थे कि डीजल इंजन भी चाहिए, तो हमने डीजल इंजन भी लॉन्च कर दिया भाई साहब। देख सकते हैं नया साल के मौके पर ग्रैंड ओपनिंग है, ग्रैंड लॉन्चिंग है और राजा भाई हमेशा अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके ही लॉन्च करते हैं। अरे भाई साहब, कोई भी अच्छा कार्य करना होता है, पिताजी भगवान के स्वरूप होते हैं जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाई है, इसलिए मैं उनका आशीर्वाद लिए बिना कोई भी काम नहीं करता जी। बिल्कुल, और सारे लोग देखने आए हुए हैं मशीन को, थोड़ा लोगों को भी बताइए कि इसमें क्या खास है। आप पूछिए भाई साहब, क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये देखने को मिल रहा है यूनिक, पहली बार हम देखे हैं, कहीं नहीं आज तक देखे, ये दो डबल शॉकर जो दिख रहा है, ये कारण क्या है? देखिए, जो हमारा 8999 है इसमें हमने डबल शॉकर लगा दिया है। राजा भाई, आपने इसमें शॉकर क्यों लगाया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक फायदा मुझे जरूर पता है कि किसान भाइयों को इससे वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो ये डबल शॉकर लगाने का ही मतलब ये था कि जो यहाँ पे पत्थर आ जाते हैं, जैसे झारखंड में या आपके बिहार में भी कहीं पे, काफी सारी जगह महाराष्ट्र में, जैसे कश्मीर वालों के लिए, ये उन फार्मर भाइयों के लिए तोहफा है। अब मशीन इस डबल शॉकर के कारण बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं की करेगी। पहले हमने पेट्रोल वालों में सिंगल शॉकर लगाया था, अब ये हमारा 999 जो डीजल इंजन का काफी भारी रहता है, इसलिए हमने इसमें डबल शॉकर लगाने दी है। डीजल इंजन जो हेवी, बहुत सारे किसान भाई भाड़े पे चलाने के लिए भी लेते हैं। जी जी, अक्सर आप देखते, आपको लगता होगा किसान ले जाते हैं, बहुत लोग भाड़े पे चलाते हैं, गाँव में इससे कमाई भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे फार्मर है जो इसको किराए पे भी चलाते हैं और साथ में इससे किराए का भी काम करते हैं। अच्छा। बहुत सारे मेरे फार्म है, क्योंकि इसमें डीजल की कंजम्पशन होती है बहुत कम होती है भाई साहब। मतलब RVW में पहली बार आई है ये? बिल्कुल, RVW में ये पूरी जो सीरीज है पहली बार आई है जी। अच्छा अच्छा, अच्छा इसका कामा, इसका इंजन का नाम? बिल्कुल, कामा ही इंजन का इसका नाम है। मैं आपको सारा इसका विशेष रूप से बता दूं, पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें हमने ये एक इमरजेंसी स्विच लगाया है, इसका मतलब ये है कि जब भी फार्मर भाई ने आगे से बंद करना होगा, जैसे कि आगे कोई चीज आ गया, तो इसको ऐसे करके दबाएंगे और ये बंद हो जाएगा। बिल्कुल जी, इसलिए इसमें यहाँ पे इमरजेंसी स्विच का संबंध किया गया है। और जहाँ पे ये देखिए सेल्फ स्टार्ट है, ये सेल्फ के साथ भी चलेगी, रस्सी खींच के भी स्टार्ट होगी जी। अच्छा, यहाँ से सेल्फ से और रस्सी से भी चलेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा, क्लच वगैरह के बारे में देखिए, ये क्लच है, अगर बैक करना है तो पीछे आ जाएगा, इसको बिल्कुल न्यूट्रल करके ना इसको जब करेंगे बैक हो जाएगा। और इसमें दो फॉरवर्ड गियर दिए गए, ये देखिए, ये पहला गियर हो गया जी, ये दूसरा गियर हो गया, इसको दबाएंगे और इसमें ये गियर वगैरह चेंज हो जाएंगे। अच्छा, जी अच्छा, बिल्कुल काफी आकर्षक मशीन है, काफी सारे लोग हर एक चीज का पार्ट वाइज। और देखिए जो हैंडल है, इसको कैसे भी करके फार्मर भाई एडजस्ट कर सकता है, अगर मेरे जैसे हाइट कम है तो इसको नीचे हैंडल करिए आप, ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, अगर फार्मर भाई की हाइट ज्यादा है तो ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, और इसको कितना मर्जी भी आप डाउन कर सकते हैं, हर एक फसल के यूज के हिसाब से बिल्कुल उसी तरीके से चल जाएगा जी ये वाला। इसमें PTU शाफ्ट लगा है, इसमें कुछ अलग है क्या? देखिए ये PTU शाफ्ट भी हैवी किया गया है, जैसे वाटर पंप चलाना है, स्प्रे पंप चलाना है, जैसे रिपर, बहुत सारे फार्मर भाई जी 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 बिल्कुल चलाएगा भाई साहब। अच्छा, ये 3 इंच का भी चला देंगे, 4 इंच का भी, 2 इंच का, कोई भी वाटर पंप चला सकते, पावर टिलर से खेत में पानी भी पटा सकते। अरे भाई साहब, कोई भी कार्य कर सकते हैं जी। एक पावर टिलर लीजिए और कोई मशीन? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, ये अटैचमेंट तो थोड़ा अलग से लेना होता है? बिल्कुल, ये अलग से लेना है। इसमें देखिए रेडियल के टायर दिए गए हैं और जहाँ पे जो गियर बॉक्स हैवी किया गया है, जो गियर बॉक्स है इसमें 2.5 लीटर तेल आएगा। बिल्कुल, अन्य जो गियर बॉक्स आते थे वो तकरीबन 1.5-2 लीटर आता था, हमारा जो पहला ऐसा गियर बॉक्स है जो 2.5 लीटर के अंदर हमने डिजाइन भी जबरदस्त है। बिल्कुल, हर चीज का ढलाई पूरा ही हर चीज पे हैवी किया गया है, उसका जो नीचे का शाफ्ट है ये भी हैवी किया गया है, ताकि अगर जितना मर्जी काम हो जाए फार्मर भाई 10-12 घंटे लगातार किराए का कार्य कर सकता है। चक्का जो है एकदम ट्रैक्टर की तरह पूरा हैवी है। बिल्कुल भाई साहब, रेडियल का चक्का लगाया है, अगर फार्मर भाई ने ट्रॉली चलाना है, रिपर चलाना है, तो रेडियल का ही चक्का कार्य में होगा जी भाई साहब। अच्छा अच्छा, और बहुत सारे जैसे पुराने जो पावर टिलर होता था बहुत सारे लोगों का, उसमें समस्या था कि यहाँ पर हिलता था जी, जी सही से नहीं अटैचमेंट चल पाता। बिल्कुल, कुछ आपने सुधार? बिल्कुल, देखिए जहाँ पे हमने ये देखिए पिन स्पेशल ये लगाई है, अगर इसको पूरा टाइट कर देंगे, ये हिलने की
की समस्या ही खत्म हो जाएगी भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पथरीली जगह बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ पे ये शॉकर लगाने के कारण वाइब्रेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। वाइब्रेशन होगी जी जी जी। इंजन के बारे में थोड़ा आप देखिए, इंजन जो हमारा है ये कामा का इंजन है, कैसे पता चलेगा? इंजन पे भी आरबीडब्ल्यू। मैं बताता हूँ, हमारा ज्वाइंट वेंचर हुआ है कामा और हमारी कंपनी आरबीडब्ल्यू का। देखिए क्या होता है, जो हमारे कई दुकानदार भाई होते हैं अकेला कामा का इंजन कहीं और से ले लेते हैं, गियर बॉक्स कहीं और से ले लेते हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन से है, कौन सा उसका बाप है, उसकी माँ कौन सी है। तो हमारा आरबीडब्ल्यू और कामा का ज्वाइंट वेंचर हुआ है। देखे यहाँ पे सलंसर पे भी कामा लिखा होगा, हर जगह पे पार्ट पे कामा लिखा होगा, और हमारा ब्रांड नेम हर जगह पे इम्पोज होगा, चाहे वो 8.5 HP का है, चाहे वो 6.5 HP का है। जहाँ पे कामा का इंजन होगा हमारी कंपनी का, जैसे यहाँ पे गियर बॉक्स पे भी हमारा नाम इम्पोज है और इंजन के ऊपर भी हमारा नाम इम्पोज रहे। कंपनी को इतना ऊपर तक चलेगा कि कामा अपने इंजन के साथ आपका नाम दे रहा है। अरे भाई साहब देखिए, ज्वाइंट में अगर भाई साहब ऐसा है, जो छोटे कंपनियां होती हैं वो ऐसा कार्य नहीं करते, इनके लिए जिसकी ज्यादा सेल होगी तो दूसरी कंपनी वाले खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं भी इनके साथ ही ज्वाइंट वेंचर करना अच्छा। अच्छा, इंजन के फ्यूल टैंक वगैरह के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए जो इसका फ्यूल टैंक है 5 लीटर का है, इसमें भी हमने जो 8.5 HP का, इसका भी 5 लीटर का किया है। जो हमारा वो 6.5 HP का है उसमें जो जिसका मॉडल नंबर 525 है उसका हमने जो फ्यूल टैंक रखा है 3 HP का, 3 लीटर का रखा है। और इसमें देखिए जो एयर क्लीनर है ये भी हमने स्पेशल किया है, और जो हर जगह पे देखिए जी कामा इसके ऊपर लिखा होगा। आपको छुपाते नहीं हो, इसको भी खोल के दिखा दो। अरे भाई साहब इसको भी खोल दिखा देते हैं, इसमें क्या है भाई साहब, ये देखिए इसको भी खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए ये इसका एयर क्लीनर है भाई साहब। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर छुपा हुआ कुछ नहीं है, जैसे ट्रैक्टर का बड़े बड़े ट्रैक्टरों का एयर क्लीनर है वैसे ही ये ऑयल बात है। इसमें है थोड़ा सा तेल मोबिलाइल डालना होगा ताकि जितना भी मिट्टी होगा वो इसके अंदर चला जाएगा, जब ये जाली भर जाएगी तब इसको साफ कर लेना है फार्मर भाई। सामने वाला जो बम्पर है ये भी जबरदस्त है। अरे भाई साहब ये बम्पर इसलिए लगाया है ताकि अगर सामने से कोई टकरा जाए तब मशीन को हानि ना पहुंचे, इसलिए सभी मशीनों के ऊपर ही हमने बम्पर लगाया है भाई साहब। बिल्कुल, इसमें लाइट वगैरह हर एक चीज की व्यवस्था, लाइट के लिए भी स्पेशल हमने LED लगाया है भाई साहब। कितना मर्जी अंधेरा हो जाए भाई साहब, ये लाइट इतनी रहेगी आप हैरान रह जाएंगे, फार्मर भाई रात को अच्छी तरीके से जुताई कर पाएंगे जी। अच्छा अच्छा, और इसका मतलब कैपेसिटी क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितना काम करेगा, कितने घंटे में? देखिए ये तकरीबन जो हमारा 8999 है ये तकरीबन 1 घंटे में 1 लीटर तेल खाएगा, जो कि 10 HP का है और कामा 188 के अंदर डिजाइन किया गया है। जो हमारा ये 8.5 HP का है ये तकरीबन 1.25 लीटर तेल खाएगा, और इसका जो कामा 178 है ये, और जो हमारा वो 6.5 HP का है वो कामा 173 है, वो 1/2 लीटर तेल खाएगा जी। बिल्कुल, और जैसा कि ये हैवी इंजन है तो इसे काम करने वाला अटैचमेंट भी हैवी होना चाहिए। बिल्कुल, जो देखिए बिल्कुल हैवी बनाया है, देखिए जो जो ब्लेड वगैरह हैवी है इसके साथ देखिए 40 ब्लेड लगेंगे भाई साहब, और देखिए बिल्कुल देखिए बड़े हैं जी, देखिए पटलर वगैरह भी इसके स्पेशल जो धान में चलेंगे ये भी हमने काफी बड़े किए हैं, ताकि अगर इंजन मशीन हैवी है तो ये भी हैवी होना चाहिए भाई। पीटीओ के हिसाब से इसका मतलब साइज काफी है। बिल्कुल, साइज भी इसका बड़ा है जी, देखिए अन्य वाले से जो इसकी शॉर्ट है ये देखिए तकरीबन 2 इंच के आसपास है भाई साहब। बिल्कुल और सबसे काफी ये क्या हो गई ये भाई साहब, बेड मेकर है, बेड बनाने के लिए फार्मर भाई का काम आता है, काफी हैवी है। अरे भाई साहब हर चीज का ध्यान रखा है, हर चीज को हैवी किया गया है भाई साहब। राजा भाई मशीन तो शानदार है, इसका ग्रैंड ओपनिंग खेतों के बीच हुआ है, किसानों के बीच हुआ है, तो इसको स्टार्ट करके भी थोड़ा दिखाइए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया दो तरीका है। बिल्कुल जी, देखिए इसमें सेल्फ स्टार्ट भी है और ये रस्सी से भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। और जो ये वाला हमारा मॉडल है ये जो R555 है ये भी रस्सी से भी स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फ से भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो वाला है हमारे पहली बार डीजल में टच स्टार्ट किया है, और ये हेल्प ने ये दीवाना है और ये स्टार्ट हो जाएगा भाई साहब। रस्सी भी स्टार्ट कर लेगा, ये देखिए जी ठंडी पड़ रही है, ये डीजल का इंजन ऐसे स्टार्ट नहीं है, कोई दिल से रिपेयर करके दिया हुआ है, और देखिए जो इमरजेंसी है उसको दबा देना और तुरंत बंद हो जाना है जी। राजा भाई मशीन के बारे में तो आपने बता दिया, अब इसका दाम क्या रहने वाला? देखिए जो हमारा 8999 10 HP का, इसका जो प्राइस रहने वाला है 90,000 रूपए रहने वाला है। इसके साथ हम जो 40 ब्लेड की रोटरी जो कि 5 फीट में चलेगी ये साथ में देंगे, साथ में हम डबल प्लो साइड प्लो कल्टीवेटर और लेबलर भी साथ में दिया जाएगा। और जो हमारा जो R555 है ये 8.5 HP का, इसका जो प्राइस है 70,000 रूपए है, ये
साथ 32 ब्लेड की रोटरी जो कि 4 फुट में चलेगी। इसके साथ भी हमें डबल प्लो, साइड प्लो, कल्टीवेटर और लेवलर 4 अटैचमेंट है और साथ में सभी के साथ टोटल 5-5 हो गए। नया साल है 2024, सभी खुश रहने चाहिए। और जो ये हमारा R525 मॉडल है जो कि 6.5 HP का है, इसका जो प्राइस है 60,000 रुपया रहने वाला, और इसमें हम 32 ब्लेड की रोटरी और इसके साथ भी 4 अटैचमेंट देंगे, जैसे डबल प्लो, साइड प्लो, कल्टीवेटर, लेवल, सभी को 4 अटैच। और ये जो रोटरी है जो 32 ब्लेड की 4 फिट में चलेगी, और जो ये 40 ब्लेड की है ये तकरीबन 5 फिट में रोटरी चलेगी। अच्छा राजा भाई, इतनी बड़ी 5 फिट का आप रोटरी दे रहे हैं, और किसी को छोटा एरिया में काम करना हो सब्जी का खेत में तो उसको अलग से लेना पड़ेगा? अरे नहीं 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 भाई साहब, बिल्कुल अलग से लेना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होता है भाई साहब, ये पिने लगी होती है, ये देखिए ये पिने लगी हुई है, ये खुल जाती है। इसको आप तकरीबन 22 इंच में भी कर सकते हैं, इसको आप 3 फिट में भी कर सकते हैं, इसी को 4 फिट में कर सकते हैं, इसी को 5 फिट में। अलग से रोटरी है, अलग से पैसा खरीदने लगाने की जरूरत नहीं है मेरे फार्मर भाई को, अलग अलग हो जाएगी, छोटा बड़ा हो जाता है भाई साहब। अच्छा अच्छा, इसी को छोटा बड़ा करके यूज किया जा सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अटैचमेंट सारी तो काफी हैवी लग रही है। अरे भाई साहब हैवी ही रहेंगी, अगर हैवी नहीं रहेंगे भाई साहब, जब इतना बड़ा मशीन है तो अगर लाइट मशीन अटैचमेंट टूटती रहेगी फार्मर भाई, मशीन चलती रहेगी, इसलिए इनको अटैचमेंटों को भी हैवी करना बड़ा अनिवार्य था भाई साहब। लेकिन राजा भाई नया साल का मौका है, कुछ किसान भाई को छूट नहीं दीजिएगा? अरे भाई 2024 है, नया साल है, हमने किसी को निराश नहीं किया। जो भी आज हमें मनीष कुशवाहा जी की वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको स्पेशल 5,000 का डिस्काउंट करेंगे। यही मशीन हम जो 999 प्रीमियम है 85,000 की, और यही मशीन R555 जो के 8.5 HP की है ये हम 65,000 की, और जो ये हमारा R525 है जो 6.5 HP की है ये हम 55,000 की दे देंगे। अच्छा, भाई अच्छा अच्छा भाई जी, आप मशीन खरीदने आए हैं क्या? सर अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जी सर समस्तीपुर। समस्तीपुर से आए हैं जी? समस्तीपुर। अच्छा समस्तीपुर भी इतना ठंड में आ गया जी, क्या करूँ सर? अरे मेरे किसान भाई हमें हमारा प्यार खींच के ले आता है। मशीन लेनी है आपको? डीजल वाली ही ले जाऊँ। अभी मतलब सेलेक्ट किए हैं कि नहीं? हाँ ले जाऊंगा। कौन सी वाली सेलेक्ट किए हैं? इसी को ले जाऊंगा। इसी को ले जाने का प्लानिंग है तो राजा भाई इनको कुछ स्पेशल छूट दीजिए। अरे भाई साहब कर तो दिया सभी के लिए। देखिए फार्मर भाई यहाँ पे आ जाए या ऑनलाइन मंगा ले, रेट एक ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। हमने आपको 5,000 का वीडियो का सुनी, इनको भी 5,000 का हमने स्पेशल डिस्काउंट दिया, इनको भी ये 85,000 की मशीन दे रहे हैं। बिल्कुल राजा भाई। अच्छा एक बात जानना चाहेंगे, अगर ले जाते हैं अगर कुछ मशीन में इशू वगैरह आता है, कोई दिक्कत वगैरह आती है, परेशानी, तो उसका क्या? सबसे बड़ी बात है भाई साहब, कुछ भी खराब हो जाए 1 साल की पूरी गारंटी है। हाँ एक चीज का इसमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये डीजल की मशीन नहीं है, इसमें क्या है डीजल खत्म नहीं होना चाहिए, जब डीजल आधा लीटर रह जाएगा तब इसमें डीजल और डाल देना है, सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एयर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एयर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो नोजल लगा होता है उसको इंजेक्टर बोलते हैं, उसमें अगर कचरा चला जाएगा तो वो फिर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो फार्मर भाई को बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई साहब स्टार्ट करने के लिए, इसलिए ये सावधानी जरूर रखनी है। जब आधा लीटर तेल रह गया, डीजल रह गया, तब उसमें तेल और डाल देना है भाई साहब। राजा भाई किसान भाइयों का एक शिकायत है आपसे, बताइए क्या शिकायत है? आजकल फोन नहीं उठाते। अरे देखिए भाई साहब हर वक्त फोन नहीं उठाया जा सकता, जैसे आज हम आपसे वीडियो बनाए, मेरे फार्मर भाई समस्तीपुर से आए हुए, उनको हमने मिलना है, और भी बहुत फार्मर आते हैं, फोन नहीं था। हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, लिख के भेज दीजिए क्या लेना है, उसका रिप्लाई हम 24 घंटे में जरूर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उसको रिप्लाई नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, व्यस्त है तो व्हाट्सएप पे इजी हो जाता है। बिल्कुल जी, रात को बैठिएगा सारे किसान का मैसेज। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजा भाई एक बात बताइए, मशीन काफी हैवी है, बहुत सारे किसान भाई नहीं ले पाते हैं, एक साथ इतना पैसा होता नहीं है, तो उनका क्या तरीका है, कुछ स्पेशल व्यवस्था किए हैं? देखिए आपकी बात सही है, फार्मर के पास पैसा कई बार इकट्ठा नहीं हो पाता, अगर फार्मर भाई थोड़ी सी मेहनत करें तो इन मशीनों के ऊपर सब्सिडी भी मिल जाती है। अच्छा। किसी राज्य में 80% तक भी सब्सिडी मिल जाती है। उस देखिए फार्मर भाई हमें ही पूछने लगे थे, अरे भाई कैसे सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत करें, वो अपने कृषि अधिकारी के पास जाएं, जो वहां का एरिया का कृषि, उनसे पूछे, उनसे संपर्क करें, उसको जो भी फार्मर भाई को कागज चाहिए होंगे, जैसे टेस्ट रिपोर्ट हो गया, कोटेशन हो गया, या DVD पोर्टल पे जो भी हेल्प चाहिए होगी कंपनी पूरी मदद करेगी। अच्छा, हाँ लेकिन किसी भी दुकानदार को नहीं पता होता वो भी सब्सिडी कैसे मिलेगी, और जो जो मशीन है अगर उसको 80% भी सब्सिडी मिल जाती है तो मात्र जो ये मशीन है 20-25 हजार की रह जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगता है कि राजा भाई की मशीन पूरे 2024 में
छा जाने वाली है। अरे भाई साहब जाने, सबसे बड़ी बात है शॉकर के कारण देखे, डबल डबल शॉकर लगा दिया, कितना भी पत्थर कंकर आ जाए अब थकावट होने वाली नहीं है भाई साहब। अच्छा राजा भाई एक बात बताइए, आजकल धोखाधड़ी बहुत चल रही है, अगर किसान भाई इसको मंगवाना चाहे तो कैसे पता चलेगा कि आप ही की कंपनी में पैसा आ रहा है? बिल्कुल, पहली बात तो ये है जो धोखाधड़ी होती है ना जी, वो अपने लोग ही अपने से ही अपने कूड़ में ही होती है, दूसरे पे धोखाधड़ी नहीं होती। अच्छा। मैं एक आपको ना एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, हमारे एक ऋषि मुनि थे भाई साहब, उन्होंने सुनाया मैंने बड़ी कथा उनकी ना विस्तार पूर्व पढ़ी। एक राजा होता था, वो ना एक हिरण को मारना चाहता, जंगल में जाते थे, हिरण भाग जाता था। उन्होंने 10 दिन ऐसे ही किया जी, हिरण मरा नहीं और निशाना लगता नहीं था। एक 11वें दिन क्या हुआ, वो तीर जो तीर था उस हिरण को लग गया जी। अच्छा। और वो क्या हुआ, जो हिरण के जहाँ पे लगा तीर, अच्छा, मरा नहीं, मरा नहीं भाई साहब, वो धीरे 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 ऐसे ऐसे करके ना आराम से वो उसमें छुप गया जी, गुफा में छुप गया। अच्छा। वो सोचता है कि मैं बच गया। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, राजा भी पीछे कहता यार तीर भी लगा और मरा नहीं, मैंने आज खाना ही है इसको। उसने देखा कि खून के धब्बे पड़े हैं, उस खून के पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके उसने उसको हिरण को दबोच लिया। अच्छा, अच्छा। और दबोच के उसको काट दिया। हाँ। मतलब कि हिरण का अपना ही खून। अच्छा, उसको अच्छा, मरवा दिया। अरे भाई अपने ही मरवाते हैं, दूसरे नहीं कभी नहीं मरवाते भाई साहब। मेरा कहने का मतलब है अगर किसान भाइयों को भाई साहब नहीं समझ में आ रहा, उनको थोड़ी सी भी शंका है, तो हमें भाई वीडियो कॉल करके देख सकते हैं कि राजा भाई की ही कंपनी में पैसा जा रहा है कि अन्य कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजा भाई एक बात बताइए, बहुत सारे लोग दूर से आते हैं, यहाँ आने पर जैसे पहचानेंगे कैसे कि आपकी कंपनी में आना क्या है? अरे बड़ा ही सरल है भाई साहब, पहली बात तो जो कंपनी होती है गलियों में नहीं होती, दुकानें होती है, जो कंपनी होती है रोडों पे ही होती है। अब तो हमारी जो मेन कंपनी है, मेन लुधियाना मलेरकोटला हाईवे पे ही कंपनी है भाई साहब, किसी गली में हमेशा या बाजार में दुकानें होती हैं। अच्छा। जो कंपनी होती है बड़ी रोड पे ही होती है, बड़ी जगह पे होती है। ये हमारी कंपनी है, ये सामने दिखा दीजिए भाई साहब, ये हमारे फार्म भाइयों के लिए ये गेस्ट हाउस भी बन रहा है, ये हमारी कंपनी है, ये सामने मेन हाईवे है, वहां से फार्म भाई आराम से आ सकते हैं। अच्छा, किसान का रहने का पूरा प्रबंध किया? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल।